हाय स्टूडेंट, हाय फ्रेंड, मैं प्रदीप तिवाड़ी आज आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर नंबर जो 15 है उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगा आपके लिए। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है और उसके चारों ओर पार्क 1.4 मीटर है, तो चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है, तो फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, आपको वैसे एक आकृति दी हुई है, इसकी जो त्रिज्या है वो है 3.5। एक फुटपाथ बना हुआ है, मतलब इसके ऊपर एक वृत्त और बना हुआ है। फुटपाथ को समझ रहे होंगे, जैसे आपने कभी एक ग्राउंड देखेंगे, आपने गार्डन देखेंगे, जैसे गार्डन है कोई गोल और उसके चारों तरफ रास्ता सा और होता है ना, तो वो गार्डन का एक, ये तो गार्डन का वृत्त हो गया और ये किसका हो गया, रास्ते का हो गया। तो रास्ता कौन सा हुआ, ये वाला रास्ता है। अब मैंने आपको बताया था यदि कोई बड़ी आकृति के अंदर कोई छोटी आकृति है तो वो सेकेंडरी होती है और ये वृत्त है तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी वृत्त। और जो रास्ता है, ये रास्ता कितना है, 1.4 मीटर चौड़ा है। 1.4 मीटर क्या है, चौड़ा। अब बताओ रास्ता 1.4 मीटर है तो देखो अंदर के जो वृत्त है उसकी त्रिज्या तो उसने हमें 3.5 दे दी है, लेकिन जो बाहर का जो वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखो बाहर की वृत्त की त्रिज्या, केंद्र तो दोनों का एक होता है, सहकेंद्रीय। इसका मतलब होता है दो आकृतियां जिनका केंद्र एक हो, तो हमारे पास इनका दोनों का केंद्र कौन सा है, ये वाला है, तो केंद्र से हमेशा त्रिज्या नापी जाती है। तो बताओ बाहर के वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ तक कितनी है 3.5, यहाँ तक कितनी है। देखो त्रिज्या हमेशा सारी बराबर होती है, तो यहाँ तक 3.5 है और यहाँ तक कितनी है 1.5, तो बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4.9। वो मान लेते हैं इसको, ठीक है, ए, और इसको क्या मान लेते हैं जी, कोई दिक्कत। तो देखो पैर जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है इसको तो हमने क्या मान लिया है, आर, कितनी है 3.5, कितनी है ए बी को रहने दो 3.5। और बड़े जो वृत्त की त्रिज्या है इसको हमने क्या मान लिया, बड़ा आर, कितनी हो जाएगी 3.5 प्लस 1.4 अर्थात कितना हो जाएगा 4.9 सेमी, सेमी या मीटर है, एक बार देख लेता हूँ। मीटर है। अब हम बात करते हैं सेकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। इस फुटपाथ का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसी आकृति आ जाती है वो आकृति सेकेंद्रीय होती है, तो सेकेंद्रीय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा चुका हूं। तो सेकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई कोष्टक आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, पाई के स्थान पर 22/7, आर के स्थान पर 3.4.9 का स्क्वायर माइनस छोटे आर के स्थान पर 3.5 का स्क्वायर 22/7। अब देखो फॉर्मूला बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी। तो हम एक बार इसको जोड़ देंगे, एक बार तो हम इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे और एक बार हम इसको क्या करेंगे घटा देंगे। बाईस बटे सात इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8.4। देखो 9 और 5 14, हाथ से लगी 1 तो 4 हो गया, और 4 और 4 8 इंटू
इसमें से इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना जाएगा 1.4। कोई दिक्कत किसी को? पॉइंट हटा लेंगे और वो तो आपको पता ही है क्या करना है, इसको काट लेंगे, पीट लेंगे और ठोक लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा मीटर। कैलकुलेशन मैं भी कर सकता था लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि कुछ आपको भी करना होता है और मेरी एक आदत भी है कि लास्ट का जो कैलकुलेशन होती है, बीच की जो कैलकुलेशन होती है उनको तो नहीं छोड़ता, लेकिन जो लास्ट में जो कैलकुलेशन होती है उसको मैं हमेशा ही छोड़ता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दोबारा से बता देता हूँ, हमारे पास ये आकृति हुई है, इसमें इसकी जो त्रिज्या है 3.5 है, इसकी देखो इतनी सी जो चौड़ाई है ये 1.4 है, तो बड़ी जो त्रिज्या हो जाएगी ये यहाँ से यहाँ तक होगी, तो 3.5 और 1.4 को हम जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 4.9। तो बड़ी जो वृत्त की त्रिज्या है वो 4.9 हो जाएगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5। अब हमें पता है कि जब भी पात एक बड़ी आकृति में छोटी आकृति की बात हो तो सेकेंद्रीय बोलते हैं, जिनका केंद्र एक हो तो ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। और सेकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, कुछ इसको पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर बोलते हैं, अपन को तो ऐसे याद रखना है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़ा आर और छोटा आर। तो बड़ा आर का मान 4.9 है, छोटे आर का मान 3.5 है, ये a माइनस बी का फॉर्मूला बन चुका है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, नाइन्थ क्लास में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं आपको, मैंने यही बताए होंगे कहाँ से आया है फॉर्मूला और कैसे आया है। तो इनको हमने जमा दिया है और इसकी कैलकुलेशन कर ली और इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं, शॉर्ट स्क्रीन ले लें इसकी। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और उनके अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में नाइस लिखें और उसको लाइक बटन को दबाएं। ठीक है, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नाइस लिखें। त्रिज्या 8 सेमी वाले वृत्त के अंदर कोई एक क्या है, वर्ग का है और उस वर्ग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। एक हमारे पास 8 सेमी का एक वृत्त है, इस वृत्त के अंदर एक क्या है, वर्ग है। इस वृत्त के अंदर एक क्या है, वर्ग है। दोबारा से बना देता हूं इसको मिटाल के। हमारे पास एक वृत्त है और इस वृत्त के अंदर क्या है, वर्ग है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है, वर्ग ए वी सी। अब देखो उसने कहा है कि एक हमारे पास वृत्त है, उस वृत्त के अंदर कोई वर्ग बना हुआ है, उस वर्ग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको उसने कह दिया है कि इस वृत्त की त्रिज्या, इस जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, 8 सेमी है। ओ सी देखो यहां से यहां तक क्या हुआ, वृत्त की त्रिज्या हुई, तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या है, 8 सेमी है। अब देखते हैं, ये हम बात करते हैं AC, तो AC क्या हुआ, वृत्त का क्या हुआ, व्यास। जो AC है वो क्या है, वृत्त का व्यास है, लेकिन ये वर्ग का क्या है, विकर्ण है। आपसे मैं बात कर रहा हूँ AC की, देखो इधर AC है वो वृत्त का तो क्या है, व्यास। वृत्त का तो क्या है, व्यास, और ये वर्ग का क्या है, विकर्ण है। वर्ग का क्या है, विकर्ण। सवाल के अंदर उसने कहा है कि एक वृत्त है, उस वृत्त में एक क्या है, वर्ग है। एक क्या है, वर्ग। अब मैं कहूँ आपसे कि इस बार ये वाला हमारे पास जो है, ये जो लाइन है इसको थोड़े समय के लिए हम भूल जाएं, तो बताओ ये जो है लाइन हमारी, ये क्या है,
व्रत का व्यास, ये क्या है व्रत का व्यास, और ये हम बात करते हैं इसकी तो वर्ग का क्या है, वर्ग का क्या है विकर्ण है, ये वर्ग का तो क्या है विकर्ण, व्रत का व्यास है और वर्ग का क्या है विकर्ण, अर्थात व्रत का व्यास, ठीक है, व्रत का व्यास और वर्ग का विकर्ण दोनों क्या है बराबर है या नहीं है, क्योंकि वही तो व्रत का व्यास है और वही वर्ग का क्या है विकर्ण है, अतः दोनों के दोनों कैसे हैं ये बराबर हैं, दोनों दोनों कैसे हैं बराबर हैं। तो हमें सवाल के अंदर कहा गया है कि जो व्रत का जो व्रत है उसकी जो त्रिज्या है, व्रत की त्रिज्या कितनी है 8 सेमी है, अतः व्रत का व्यास, व्रत का व्यास कितना हो जाएगा 16 सेमी, 2R होता है इसलिए क्या हो जाएगा 16 सेमी। कोई दिक्कत किसी को, व्रत का व्यास कितना हो जाएगा 16 सेमी हो जाएगा। अब हमें पता है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है a रूट टू, क्या होता है a रूट टू, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हमें लिखना है वर्ग का विकर्ण और व्रत का व्यास, व्रत का व्यास दोनों दोनों कैसे हैं बराबर हैं। देखो यही तो है वर्ग का विकर्ण और यही क्या है व्रत का व्यास, इसलिए दोनों के दोनों कैसे हैं बराबर हैं। ये बात इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये दोनों के दोनों बराबर क्यों हैं। देखो यही तो व्रत का व्यास है और यही वर्ग का विकर्ण है, इसलिए दोनों दोनों क्या है बराबर है। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला a रूट टू बराबर व्रत का व्यास हमने निकाल चुके हैं कितना है 16, a बराबर क्या हो जाएगा 16 बटे अंडर रूट टू, जो भुजा है वो कितनी आ गई है हमारे पास 16 बटे अंडर रूट टू, लेकिन हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भुजा स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 16 बटे अंडर रूट दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 और अंडर रूट दो का स्क्वायर 2, इसको हम काट पीट लेंगे कितना रहा 128, चलो खुद कर लेना आंसर आ जाएगा इसका सेमी स्क्वायर, ठीक है देख लो एक बार इसको। क्वेश्चन नंबर ये 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि एक 8 सेमी का व्रत है, उस व्रत के अंदर कोई वर्ग बनाया हुआ है तो उस वर्ग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, अर्थात हमें a की वैल्यू की जरूरत है, ठीक है। तो a की वैल्यू के लिए हमने क्या किया है, इसका हमने यहाँ से ये व्रत है, ठीक है, तो व्रत का ये क्या हो जाएगा व्यास और वर्ग का क्या हो जाएगा विकर्ण, इसका मतलब वर्ग का विकर्ण और व्रत का व्यास क्या है एक ही है, तो एक ही है तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। ये कंडीशन इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण और व्रत का व्यास क्या है दोनों बराबर हैं, तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है a रूट टू, क्या होता है a रूट टू बराबर क्या हो जाएगा 16, रूट टू का हम क्या करेंगे पक्षांतरण गुना में है तो किस में जाएगा भाग में, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा स्क्वायर, a की वैल्यू हमें पता है 16 बटे अंडर रूट दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 और अंडर रूट दो का स्क्वायर 2, इसको काट पीट लेंगे और हमारा आंसर 128 सेमी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है समझ में आ गया होगा जहां तक मेरा अंदाज है। इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें,
देखो 14 सही में एक हमारे पास आकृति दी हुई है ए वी एम सी। इसकी जो त्रिज्या है वो 14 सेमी वाले चतुर्थांश है, जिसमें बी सी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा जा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो इस वाले प्रश्न के कई तरीके हैं ज्ञात करने के, जैसा भी आपको उचित लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। बता दूंगा मैं आपको कई तरीके हैं इसके, तो बहुत सारे जो ऐसे छायांकित भाग आते हैं उनके बहुत तरीके होते हैं करने के, जो जिसके माइंड में जैसा आ जाता है उस तरीके से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास V A C ये कोई यहाँ पर M पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर M पॉइंट है और यहाँ पर N पॉइंट है। ये 14 सेमी का है, ये भी 14 सेमी का है। तो देखो आपको इसका निकालना है। अब देखते हैं, कुछ समय के लिए हमें तो इसका निकालना है, ओनली फॉर इसका, किसका, छायांकित भाग का। अब देखो छायांकित भाग का लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला ही बताया था, बड़ी आकृति का क्षेत्रफल, ठीक है, बड़ी आकृति का क्षेत्रफल में से खाली आकृति का क्षेत्रफल हमें घटा देंगे। तो देखो बड़ी जो आकृति है तो किस किस से मिलकर बनी हुई है, त्रिभुज से, ठीक है, प्लस देखो इसको तो त्रिभुज कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसी ओनली इसको, देखो ये तो त्रिभुज हो गया और यहां से यहां तक क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया, क्या हो गया, अर्धवृत्त। देखो ये तो त्रिभुज हुआ और त्रिभुज से ऊपर क्या हुआ, उसने सवाल में भी कहा है कि ये क्या है, अर्धवृत्त है, तो ये क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। तो बड़ी आकृति इससे मिलकर बन गई है, माइनस घटा क्या देंगे, खाली आकृति। खाली आकृति कौन सी है, जब भी आपको त्रिज्या से ऐसा बनाए दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड, क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। देखो आपको एक चीज बता देता हूं, जब भी आपको चाप से, ठीक है, आपको त्रिभुज सा दिखे चाप से बना हुआ तो उसको हम बोलते हैं त्रिज्याखंड, और यदि चाप के दोनों कोणों को ऐसे मिला दें तो इस आकृति को बोलते हैं त्रिज्याखंड, ठीक है। जैसे ये चाप है हमारे पास, ये चाप है, इस चाप को ऐसे मिला दें तो इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड, क्या बोलेंगे, सॉरी वृत्तखंड, इसको क्या बोलेंगे, वृत्तखंड, और इस पर ऐसे त्रिज्या से बना हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिज्याखंड। समझ में आ रही है बात, यदि त्रिज्याओं से बना हुआ चाप है तो उसको हम बोलेंगे त्रिज्याखंड, यदि ऐसी आकृति दिखे तो आपको त्रिज्याखंड, और यदि चाप के दोनों सिरों को मिला दें तो उसको हम क्या बोलेंगे, वृत्तखंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। समझ में आ रही है। तो देखो एक तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आप बताया आपको बड़ी आकृति इनसे मिलकर बनी है और खाली आकृति कौन सी है, त्रिज्याखंड है, और आपका आंसर आ जाएगा। एक ये तरीका है। अब एक ये तरीका है, इसको सबको भूल ही जाए, बड़ी आकृति देखो कुछ समय के लिए इसको हम भूल जाए, हमको तो निकालना किसका है, इसका निकालना है, बस हमारा टारगेट ये है। अब देखो इसमें बड़ी आकृति कौन सी हुई, अर्धवृत्त, क्या हुई, अर्धवृत्त माइनस। अब हमारे पास माइनस क्या करेंगे, खाली आकृति, खाली आकृति कौन सी बताओ, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे त्रिज्या, सॉरी वृत्तखंड, इसको क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। या तो हम अर्धवृत्त में से किसको घटा देंगे, वृत्तखंड को घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। जब भी आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको ध्यान रखना है बड़ी आकृति में से खाली आकृति घटा देनी है। देखो ये हमारे पास आकृति एक्स्ट्रा थी, ठीक है, समझ लें। अब ये आकृति आपके पास, ये आकृति बड़ी आकृति तो कौन सी है, अर्धवृत्त की है, किसकी है, अर्धवृत्त की है, और ये वाली जो आकृति है किसकी है, वृत्तखंड की है। देखो ये वाला जो प्रश्न है थोड़ा सा टाइट है, हल्का सा, ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा ध्यान देना है बस, इसकी कम से कम एक बार प्रैक्टिस करनी है आपको कम से कम। ये 14 सेमी है, ये भी 14 सेमी है। यदि ये समकोण त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, आपको पता होगा कि जो कर्ण होता है, कर्ण क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यदि आधार और लंब बराबर हैं तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये वाला 14 स्क्वायर प्लस आधार भी, लंब भी कितना, देखो आधार भी 14 है और लंब भी कितना है,
14 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको 14 स्क्वायर 2 हो गए, हुए नहीं हुए, कोई दिक्कत किसी को, एक ही हो गया, एक ही हो गया। अब हमें निकालना है ओनली कर्ण, इसका हम क्या कर लेंगे अंडर रूट, तो क्या जाएगा 14 अंडर रूट। तो देखो इसको आप सॉल्व करेंगे पूरा, हमेशा ध्यान रखना है जब भी आधार और लंब आधार और लंब बराबर हों, समकोण त्रिभुज में आधार और लंब बराबर हों, तो हमेशा अंडर रूट 2 लगा देते हैं कर्ण के लिए। यदि मैं कहूं कि हमारे पास ये है 4 और 4, तो कर्ण क्या जाएगा 4√2। यदि मैं कहूं कि ये 8 8 है, तो क्या जाएगा 8√2। यदि मैं कह दूं ये 50 50 है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कर्ण क्या जाएगा 50√2। समझ में आ गया होगा। तो ये 14 14 हैं, तो जो इसका कर्ण है वो क्या आ जाएगा 14√2, ठीक है। जो हमारे पास BC का मान है वो कितना आ जाएगा 14√2। वैसे आपने मैंने अभी बताया था निकालने के कैसा फॉर्मूला ही है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। लंब भी 14 है, आधार भी 14, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, 196 को जोड़ देंगे और उसका हम क्या निकाल लेंगे अंडर रूट निकाल लेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, जब भी आधार और लंब बराबर हो तो कर्ण में डायरेक्ट अंडर रूट 2 लगा दिया जाता है। अब उसने हमसे कहा है देखो ये हमारे पास जो आकृति बनी है ये वाली इसके लिए त्रिज्या तो ये है यानी इसके लिए त्रिज्या तो देखो इस आकृति के लिए इसको हम बोलेंगे क्या त्रिज्या खंड, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे वृत्त खंड डॉटेड वाले को। इस त्रिज्या खंड और वृत्त खंड के लिए त्रिज्या कौन सी है, ये वाली है 14 सेमी, कौन सी है 14 सेमी। यदि हम अर्धवृत्त की बात करें तो प्रश्न में कहा है अर्धवृत्त किसको मानकर किया गया है, बीसी को व्यास मानकर, ठीक है, बीसी को व्यास मानकर। तो बीसी अर्धवृत्त का क्या है व्यास, ठीक है, बीसी को व्यास मानकर अर्धवृत्त बनाया है। तो बीसी का आधा, तो हमारे पास बीसी का मान कितना है 14√2, तो अर्ध जो व्रत है, अर्ध व्रत है इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, व्यास इतना है तो उसमें 2 का भाग दे देंगे तो 7√2। इस बात का इसमें ध्यान रखना है, बस सवाल बहुत इजी है, बस यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों की त्रिज्या क्या है अलग अलग है। आपके समझ में आ गई होगी, एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और यदि आपके समझ में नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे, और जब भी आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर समझ में नहीं आया ये प्रश्न, मैं दोबारा से बताऊंगा। इस प्रश्नावली का सबसे टफ प्रश्न यही है, इसके अलावा कोई भी प्रश्न टफ नहीं है। देखो ये आकृति आपको दी हुई है, समझने की कोशिश करें। तो मैंने आपको बताया था बड़ी आकृति होती है, बड़ी आकृति होती है उसमें से खाली आकृति को घटा देते हैं। यदि हम बात करते हैं देखो इस त्रिभुज को मिटाल दें हम, ठीक है, त्रिभुज को हम मिटाल के कर दें, तो देखो हमारे पास ये हो गया, हमारे पास एक तो बड़ी आकृति कौन सी हो गई अर्धवृत्त, क्या हो गई अर्धवृत्त, और खाली आकृति कौन सी हो गई वृत्तखंड। ये बात ध्यान रखें, अर्धवृत्त की त्रिज्या और वृत्तखंड की त्रिज्या में अंतर है। अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो तो है BC का आधा, भाई अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है ऐसे बना हुआ है अर्धवृत्त, तो ये क्या हुई उसकी, ये B और C, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या तो कितनी हो जाएगी BC की आधी। लेकिन ये जो वृत्तखंड है, जो वृत्तखंड है इन त्रिज्याओं से मिलकर बना हुआ है, इससे बना हुआ है वृत्तखंड, तो इसकी जो त्रिज्या है देखो इसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेमी। बस ये ध्यान रखना था और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, बस सवाल करा रहा हूं मैं, टाइम ओवर जा रहा है, बस आपको आज ऐसे करना है। देखो हमारे पास ये क्या है, इसको मैं आधा छोड़ूंगा आपको, क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। यदि हमारे पास वृत्तखंड है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं पूरा, मतलब एक सिस्टम तरीके से कल बताऊंगा आपको,
यदि हमारे पास वृत्तखंड की जो त्रिज्या है, वृत्तखंड की त्रिज्या कितनी है? 14 सेमी है। लेकिन हमें किसकी निकालनी है? अर्धवृत्त की त्रिज्या। अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? बीसी की आधी। बीसी का मान हम निकाल लेंगे तो बीसी का मान कितना हो जाएगा? अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट ए बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। और हम डायरेक्ट लिख देंगे बीसी का मान क्या हो जाएगा? 14 अंडर रूट 2। समझ में आ गई होगी वो कैसे आया था इसके हिसाब से, ठीक है। ये बीसी मतलब ये अर्धवृत्त की त्रिज्या आ गई। अर्धवृत्त की त्रिज्या ये है और इसकी ये है, तो हमें निकालना है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बड़ी आकृति, इस समय बड़ी आकृति को हम क्या मान लें? अर्धवृत्त मान लें। क्या मान लें? अर्धवृत्त। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आप इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, इसका फॉर्मूला 1/2 πr² माइनस वृत्तखंड का लगा देंगे 1/2 πr² θ/360 माइनस 1/2 r² sin θ। थीटा यहाँ पर क्या लगाना है आपको? 90 डिग्री लगाना है। थीटा कौन सा लगाना है? 90 डिग्री लगाना है, क्योंकि चतुर्थांश की बात कर रहा है। चतुर्थांश में जो थीटा लगता है हमेशा कितना लगता है? 90 डिग्री लगता है। और सबकी वैल्यू आपके पास है। वृत्तखंड में त्रिज्या ये दे रहा थी आपको कितनी? 14 सेमी। और अर्धवृत्त में कितनी लेनी है आपको? अर्धवृत्त में लेनी है आपको, ये तो व्यास आया है बीसी का, बीसी का मान आया है, तो आर कितना आ जाएगा? 7√2। तो अर्धवृत्त में जो त्रिज्या लेनी है 7√2 लेनी है, और इसमें इसको और इसको सॉल्व करना है। कल इसको मैं पूरा सिस्टम तरीके से कराऊंगा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। वैसे प्रैक्टिस करें, मैंने समझा पूरा दिया है, कल इसमें मैं टाइम कम लगाऊंगा, और प्रैक्टिस करें। थैंक यू।